हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज जो मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ, हमारे उन बच्चों के लिए जो घर से दूर रहते हैं, घर के खानों को मिस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो। और मेरी इस रेसिपी का नाम है हरियाली चिकन, जो बनाना बहुत 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 आसान है। चलिए फिर देर कर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं। हरियाली चिकन बनाने के लिए तकरीबन 1 किलो चाहिए हमें चिकन, 1 बाउल दही, धनिया पुदीना मिक्स करके 1 बंडल, 8 से 9 हरी मिर्ची और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी लेंगे। अपने ये हरे मसाले हम मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, महीन कर लेंगे इसको। ये चिकन देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही आसान इसको बनाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे घर से दूर रहते हैं वो एक दफा इसको ट्राई जरूर करें, बहुत आसान है बनाना। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे महीन। ये लीजिए, हमने मसालों को, ग्रीन मसालों को पीस कर रेडी कर लिया है। अब हम सारे मसालों को ऐड करेंगे चिकन के साथ और चिकन को करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले हम बाउल में चिकन ऐड करेंगे, जो हमने छलनी में धो करके और साफ करके रखा है, ताकि इसका सारा पानी नहीं छोड़ जाए, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो हमने 1 बाउल ली थी वो सारी दही हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब बारी आती है 2 चम्मच अदरक लहसुन की, 2 चम्मच हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ग्रीन मसालों को, जो हमने महीन पीस करके रख रखा है। बस हो गया हमारा मैरिनेशन रेडी। बस हम इसको अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और चाहे तो रात भर आप फ्रिज में रख दीजिए, या अगर बनाना है आपको जल्दी का खाना तो आप इसको 2 घंटे कम से कम मैरिनेट करके छोड़ दें, और उसके बाद 2 घंटे के बाद इसको पकाने का प्रोसेस शुरू करें। चूंकि हमारे पास टाइम है, इसलिए हम इसे क्लिंग रैप लगा कर फ्रिज में रात भर के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। जी, रात भर में हमारा मैरिनेशन अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली इसको कढ़ाई में तेल में क्यों ही पका सकते हैं, बट हमें चाहिए ग्रेवी। इसके लिए हम 3 मीडियम साइज की प्याज लेंगे और उसको अच्छी तरह से स्लाइस कर लेंगे। अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे पैन और उसमें डालेंगे सरसों का तेल, तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच, और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज को थोड़ा नरम होने तक हम पकाएंगे। क्योंकि हमने मैरिनेशन में नमक डाल रखा है, इसलिए हम प्याज में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज नरम हो जाएगी थोड़ी, हम मैरिनेशन किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये लीजिए, हमने अपना मैरिनेशन किया हुआ चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चूंकि हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन, तो अब हम इस पर ऐड करेंगे 1 पिंच तकरीबन फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, जिससे इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा, जो धनिया और पुदीने से नहीं आ पाता है। कहते हैं ना, खाना पहले आंखों से खाया जाता है, इसीलिए इसमें ग्रीन चिकन के लिए ग्रीन कलर डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे ढक करके अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, और जब एक उबाल आ जाएगा हमारी चिकन को, तो हम इसको आँच को मीडियम पे करके छोड़ देंगे और चिकन को अच्छी तरह से पकने देंगे। मीडियम आँच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हमारा चिकन पक चुका है। अब इसको अच्छी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, अभी भी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है, इसलिए हम इसको ढक करके थोड़ा आँच को और कम कर देंगे, धीमा कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा चिकन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे 1/2 बाउल क्रीम। फुल फैट क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमारे घर में क्रीम अवेलेबल नहीं हो पा रही है और उसे लाने वाला कोई नहीं है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में निकलती है मलाई दूध की, उसको हम अच्छी तरह से विस्क करके अपने चिकन में ऐड कर लेंगे, और उसे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करके थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पे पका लेंगे। बस क्या है, हमारा चिकन हो गया रेडी।
नाउ सर्विंग टाइम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यस, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। तब तक मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय योर मील, एंजॉय योर ग्रीन चिकन। अल्लाह हाफिज़।